नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 8 अगस्त 2024 का एक फैसला है, जजमेंट आई है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलेंट्स हैं उनको बरी कर दिया। 302 इंडियन पिनल कोड में जो सजा थी सेशन कोर्ट ने सुनाई थी और उनकी जो क्रिमिनल अपील थी वो खारिज कर दी थी, लेकिन फाइनली जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो मीन्स आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब जजमेंट आई तो इन्होंने जजमेंट में अपीलेंट्स को 302 इंडियन पिनल कोड की जो सजा हुई थी जिसमें जो पनिशमेंट फॉर द मर्डर है उनसे बरी कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 136 के अंदर जब नीचे की कोर्ट कॉन्करेंट फाइंडिंग दे देती हैं तो मींस जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें हार्डली इंटरफेयर करती है, लेकिन साथ में ये कहा कि अगर एविडेंसेस प्रॉपरली अप्रिशिएट ना किए जाएं और मटेरियल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसमें इंटरफेयर कर सकती है और मींस जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो है वो मींस जो ऑर्डर्स हैं उसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं और क्या लीगल एस्पेक्ट्स थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। ये 46 पेज की जजमेंट है। तो यहाँ पर जो अपील जो फाइल की थी वो अपीलेंट्स ने फाइल की थी, उनको एक कॉमन जजमेंट से डिविजनल बेंचर हाई कोर्ट थी गुजरात की, उन्होंने क्रिमिनल अपील थी वो खारिज कर दी थी, जो कि अक्यूज्ड पर्संस जो हैं अक्यूज्ड अपीलेंट्स थे उनकी सेशन कोर्ट ने जो उनको कन्विक्शन कर दिया था 302 और 120 बी इंडियन पिनल कोड में, और साथ में इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ की जो सेंटेंस थी वो सजा सुनाई थी और 1000 रुपये का फाइन था, और अगर 1000 रुपये का ना देने से तो इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की और बढ़ाने का जो प्रावधान था। और लेकिन जो अपीलेंट्स थे उनको एक्विट कर दिया गया था जो ऑफेंसेस थे 323 इन पिनल कोड से। आप फैक्ट्स क्या थे कि जो अपीलेंट्स हैं अक्यूज्ड अपीलेंट्स हैं वो एक जगह का नाम बताया, वहाँ के रेजिडेंट्स हैं और वो सप्लाई करते थे रेजिडेंट्स ब्लॉक्स में वाटर को सप्लाई करते थे जिसमें अक्यूज्ड पर्सन भी रहते थे, और 3 मई 2011 का था कि एक मीटिंग कन्वेंड हुई इस रिकॉर्ड में और उनके बीच में एक अल्टरकेशन से लड़ाई झगड़ा हुआ अक्यूज्ड पर्सन का और जो डिसीज्ड है उनका नाम बताया गया, उनका साथ झगड़ा हुआ और ने और यहाँ पर बताया कि अक्यूज्ड ने अब्यूजेस और फाउल लैंग्वेज जो है वो दी जिसकी वजह से जिनको दी थी उन्होंने सोसाइटी मेंबर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी और इन्फॉर्म किया कि अब इनको कहा कि अक्यूज्ड पर्सन को रिलीफ कर दिया जाए, जो सप्लाई ऑफ वाटर जो सोसाइटी में पानी सप्लाई करते हैं उसे रिलीफ कर दिया जाए, और इंटीमेशन जो मीटिंग में एक इंटीमेशन था वो दिया गया था डिसीज की साइड से, वो कन्वे कर दिया था मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को, और जिसमें जो मींस जो अक्यूज्ड को इंसल्ट की गई तो जो कि एक इसकी वजह से उनके बीच में ग्रूज हो गया था, मींस पर्सन में एनिमिटी टाइप की ये बताया गया वो हो गई थी, और फिर उसके बाद अक्यूज्ड ने मीन्स जो है वो एक प्रकार की प्लान मीन्स कॉन्स्पिरेसी की थी कि उनको मतलब एलिमिनेट कर दिया जाए डिसीज्ड को, और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कि कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए और कुछ जो अक्यूज हैं उन्होंने अपने कुछ आर्म्स वेपन्स होते हैं ड्रैगर्स कुत्ती एक्सेट्रा वो कलेक्ट किए और एक डिकी स्कूटर में छुपा दिए, और 4 मई 2011 को 8 बजे जब वो जो डिसीज्ड हैं वो अपने कज़न के साथ जा रहे थे मीन्स कज़न के साथ मीन्स जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट हैं उनके साथ जा रहे थे, तो एक पेट्रोल पंप का नाम बताया 2-व्हीलर पे, तो उनको जब व्हीकल रिफ्यूल्ड करना था तब दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो एक ब्रिज का नाम बताया और वहाँ पे अक्यूज्ड ने उनको रोका और मोबाइल नंबर जो है मांगा, और फिर उसकी वजह से सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए अक्यूज्ड पर्सन ने
अक्यूज्ड अपीलेंट्स ने मींस इंडिस्क्रिमिनेट असॉल्ट कर दिया और शार्प एज वेपन से, जिसकी वजह से उनके सिर और छाती में चोटें आईं। और साथ में बताया कि जो इन्फॉर्मेटर, उन्होंने इंटरफीन करने की कोशिश की और उसको उनको धक्का दे दिया। और अक्यूज ने एक बिग नाइफ था, मैं चाकू में था, ब्लो किया और फिर इसकी वजह से शार्प वेपन से मेन स्पीच पे हमला किया। और शोर सुनने के बाद भी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मीन्स जो डिसीज्ड है इंजर्ड हो गए, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और एलिगेशंस को देखते हुए जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट हैं, जो PW11 है, जो कि फर्स्ट कजन है उनके डिसीज्ड के, उन्होंने एक कंप्लेंट थी लॉज की, जो एग्जिबिट 79 था, जो कि केस नंबर 100 में था, 4 मई 2011 को लगाई, जिस वजह से FIR थी, पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुई 302 323 के मुकदमे में सेक्शन 120B का। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो असाइन कर दी एक जो एक व्यक्ति एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उनका नाम बताया गया PW18, और जिसको अब आगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के नाम से बताया गया, उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 बनाया गया था। और पंचनामा प्रिपेयर हुआ था और उसके बाद डेड बॉडी थी वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। और PW1 जो डॉक्टर हैं उन्होंने ऑटोप्सी की, उन्होंने पाया कि 29 इंजरीज थी डिसीज्ड की बॉडी पे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसे P12 बनाया गया और उसमें ओपिनियन दे दिया गया कि जो डेथ हुई है डिसीज की वो शॉक की वजह से हुई है, जो मल्टीपल इंजरीज थी ऑल ओवर द बॉडी में। और P11 जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो है उनको भी मेडिकल एग्जाम किया गया एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा, जो कि PW2 थे, उन्होंने एक एग्जाम करने के बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जिसे एग्जिबिट PS17 बनाया। P18 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने यूजुअल इन्वेस्टिगेशन की, साइड प्लान बनाया एग्जिबिट 27 जहां घटना हुई थी। और अक्यूज अपीलेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया और 5 दिन इन घटना के 5 दिन बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। और क्लोज जो थे वो कलेक्ट किए गए और एक पंचनामा बनाया गया एग्जिबिट P40। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PW18 है, उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया क्राइम सीन को और अक्यूज्ड अपीलेंट्स को और फिर डिमॉन्स्ट्रेट किया पंचनामा एग्जिबिट PA50। और इसके बाद रिकवरी हुई एक बिग नाइफ की, जो कि अक्यूज्ड के मीन अक्यूज से प्राप्त हुआ एक जो अक्यूज से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और एक ब्लड स्टेन क्लोज थे डिसीज्ड के। और रिकवर वेपन्स भी फॉरवर्ड कर दिए गए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जिसे FSL बताया गया केमिकल एनालिसिस में। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर P18 ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स भी मंगवाए सर्विस प्रोवाइडर था जो कंपनी का जो फोन था। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट फाइल की, ऑफेंसेस थे 302 323 120B का। ऑफेंस जो 302 था वो क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल मीन्स ट्राइड किया जाना था तो वहाँ पर एडिशनल सेशन जज ने इनके ऊपर केस रजिस्ट मीन्स सेशन केस नंबर बनाया और चार्जेस भी फ्रेम हुए और एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में और चार्जेस फ्रेम हुए 302 323 120B का। और यहाँ पर अपीलेंट अक्यूज ने अपने आप को गिल्टी नहीं बताया और फिर और कहा कि वो ट्रायल फेस करेंगे। प्रोसिक्यूशन ने 18 विटनेसेस और 131 डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया और ताकि चार्जेस प्रूव किए जा सकें। और 313 में उन्होंने कन्फ्रंट किया एलिगेशंस को और सब मीन्स अपीलेंट अक्यूज ने डिनाइड किया और एक कैटेगरिकल स्टैंस दिया कि उनको फंसाया गया है केस में और कोई एविडेंसेस नहीं लिया उन्होंने डिफेंस में। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन डिफेंस काउंसिल के सुनने के बाद एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुना दी 13 अक्टूबर 2014 को और कन्विक्ट कर दिया अक्यूज्ड अपीलेंट्स को। और उसको चैलेंज किया डिविजनल बेंच गुजरात हाईकोर्ट में, सेपरेट क्रिमिनल अपील थी जो कि रिजेक्ट कर दी गई 18 फरवरी 2019 को। और अब यहाँ पर बैच ऑफ अपील्स थी स्पेशल लीव के द्वारा चैलेंज की गई। और अब सबमिशंस ये दिए गए थे अक्यूज्ड अपीलेंट की साइड से कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 12 हैं, जो पुलिस कांस्टेबल हैं, जिन्होंने जो कि जो आई विटनेसेस थे इंसिडेंट के, उन्होंने एडमिट किया था कि वो पहले सबसे पहले पुलिस स्टेशन में आए थे, 2 वेपन्स कलेक्ट किए थे क्राइम सीन 9:15 पे। उनकी जो स्टेटमेंट थी ना तो वो रिकॉर्ड की गई और ना ही मीन्स ना तो रिकॉर्डेड, और अगर रिकॉर्डेड भी की गई थी तो वो भी सामने नहीं आई इन द लाइट ऑफ डे। FIR जो थी P79 वो रजिस्टर्ड हुई थी अर्लीस्ट वर्जन ऑफ उसे रजिस्टर करना चाहिए था। सबमिशन ये दी कि उनको रजिस्टर करना चाहिए था अर्लीस्ट वर्जन PW12 की वजह से
कि उन्होंने वो देखा था, और लेकिन वो काफी लेटर ऑफ टाइम जो स्टेटमेंट जो दी थी वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने दी थी, जो कि कजन भी थे उनके डिसीज्ड के, वो उन्होंने सब इंस्पेक्टर PW17 को दी थी 11:15 पे, सॉरी 11 बजे दी थी। और PW12 जो है, जो कांस्टेबल है, वो पुलिस स्टेशन में आए थे वेपन्स के साथ, और जो क्राइम एडमिट किया गया था प्रोसिक्यूशन में वो भी 45 भी कर दिया गया था 5 विटनेसेस में। और प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 जो है, जो कि उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस ने इन्फॉर्म किया था कि पर्सन जो P12 है, जो कांस्टेबल है, वो अपने हथियार ले, मींस वो उन्होंने प्रोड्यूस किए थे वेपन्स 9:15 पे। PW12 जो है, उन्होंने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन एडमिट किया कि वो जब वो पुलिस स्टेशन आए तो इंक्वायरी हुई थी हायर ऑफिशियल्स द्वारा, और PW12 को आई विटनेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया था कि वही वेपन्स है वो प्रोड्यूस किया था उन्होंने जो कमीशन ऑफ क्राइम पे, और उन्हें क्वेश्चन भी किया था कि जो इंसिडेंट हुआ था, मींस क्वेश्चन भी किया था एट दी पुलिस स्टेशन में, उनको क्वेश्चन भी किया था जो एट अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम। और जो स्टेटमेंट थी वो फर्स्ट डिस्क्लोजर थी, मींस फर्स्ट डिटेल डिस्क्लोजर थी अबाउट द इंसिडेंट, तो जो कि एक इसके बेसिस पे FIR का करेक्टर बन सकता था, लेकिन जो स्टेटमेंट थी वो कभी रिकॉर्ड में नहीं लाई, जो एक प्रकार की प्रोसिक्यूशन ने डिलीबरेट कंसीलमेंट किया है। और प्रोसिक्यूशन ने जो रिकॉर्ड किया था डेली, जो डेली डायरी है, रोज नाम रोज नामचा होता है, वो जो पुलिस स्टेशन में मेंटेन किया जाता है, लेकिन जो इसके बाद भी वो इंटेंशनली विदहेल्ड कर लिया, मीन्स सामने नहीं लाया गया प्रोसिक्यूशन ने, और इसकी वजह से जो प्रोसिक्यूशन है जो डेली डायरी एंट्री है वो प्रोड्यूस नहीं कर सका, तो इसलिए उसके अगेंस्ट में एडवर्स इन्फ्रेंसेस निकालने चाहिए थे। और लर्नेड काउंसिल जो है, उन्होंने एक अपनी जजमेंट पर रियलाइज किया, जो अपीलेंट के थे वो थी टोमेसो बर्नो अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसमें ये बताया गया कि जो स्टेटमेंट थी वो PW12 जो कि कांस्टेबल है वो रिक्वायर्ड थी, जो एक एज ए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर रिक्वायर्ड थी, और लेकिन जो एक्सप्लेनेशन जो ऑफर किया गया PW12 ने वो से बेस की जो FIR रजिस्टर नहीं की गई, और उसमें एक आगे कि दूसरे पर्सन जो थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे पुलिस स्टेशन में 9:15 शाम के, और इसकी वजह से जो कंप्लेंट थी जो फॉल्सिफाइड करती है टेस्टिमोनी को, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर PW17 की थी, जिन्होंने वो टेस्टिफाई किया था उसने कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट इन्फॉर्मेंट की थी उनकी रिकॉर्ड की गई थी रिड्यूस इन राइटिंग, मीन्स जो डिसीज्ड के कजन है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी रिड्यूस इन राइटिंग एट कृष्णा मेडिकल हॉस्पिटल जगह पे एट 11 PM। और फिर एविडेंसेस था PW12 का, वो भी एक डाउट क्रिएट करता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट मौके वारदात पे मौजूद थे कि नहीं थे, मीन्स उस पर डाउट होता है। और जो विटनेस ने क्लियरली कहा है अपने एविडेंस में कि उन्होंने एक इंजर्ड को देखा था जो क्राइम सीन पे पाए गए हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा उनका ब्लीडिंग हो रही थी, और PW12 ने की ने काफ़ी ग्रॉस इम्प्रूवमेंट्स किए थे अपने एविडेंसेस में। और जब 3 अपीलेंट्स को आइडेंटिफाई किया था डॉक में फर्स्ट टाइम आफ्टर ए स्पैन ऑफ मोर देन 2.5 ईयर्स, तो विटनेसेस ने एडमिट भी किया अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कि उन्होंने किसी प्रकार की डिटेल स्टेटमेंट जो है वो नहीं रिकॉर्ड करवाई थी अंडर सेक्शन 161 CRPC में, और जो कि आइडेंटिटी थी एसिलेंट्स की, जो आइडेंटिफिकेशन थी डॉग की वो भी किसी प्रकार की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड की गई थी, जो कि एक वीक है और अनरिलायबल पीस ऑफ द एविडेंस है, और इसलिए उन्होंने एक अमरीक सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब की जो जजमेंट थी उस पर रिलाई किया। तो ये अपनी अपनी सबमिशंस थी वो प्रोसिक्यूशन ने दी, और फिर फर्दर सबमिशन में ये भी कहा कि जो PW13 है जो कि प्रोजेक्ट किया गया था आई विटनेस ऑफ इंसिडेंट, उन्होंने भी जो कि प्रेजेंट थे प्लेस ऑफ अकरेंस में, उन्होंने जो अपीलेंट अक्यूज को देखा था कि वो असॉल्ट कर रहे हैं डिसीज्ड को, तो जब विटनेस ने जब उनको डिपोज किया, जब ओथ में डिपोज किया, तब उसमें उन्होंने काफ़ी ग्रेव इंप्रूवमेंट्स कर दी थी टेस्टिमोनी में जो प्रीवियस स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड कराई थी 161 CRPC में। तो ये क्लियरली बताता है कि वो उस समय घर पे थे जब अलेज्ड इंसिडेंट हुआ था, और उन्हें कॉल थी वो फादर ऑफ द डिसीज से मिली थी। और PW14 जो है उन्होंने कहा था कि अबाउट द अटैक मेड ऑन द डिसीज, और फिर इसके बाद PW13 है जिन्होंने कहा है, जिन्होंने एक ब्लैंक लाई डिपोजिशन में दिया है कि उन्होंने विद ट्राइंग टू अज्यूम की जो स्टेटस था आई विटनेसेस का वो मींस विदाउट एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। तो क्लेम जो बनता है
वो फर्दर बिलाइड होता है 314 का, जो कि उन्होंने ओथ में दिया है। और उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि जो PW13 जो है, PW13 का जो इंसिडेंट है, अबाउट द इंसिडेंट के बारे में बताया था। फिर का साथ में ये बताया कि PW13 जो है वो प्रेजेंट थे, अगर वो प्रेजेंट थे इंसिडेंट में तो ये पहले ही व्यक्ति होते जो इन्फॉर्म करते फादर ऑफ द डिसीज्ड। और जो PW14 है उन्होंने जो मींस फादर ऑफ द डिसीज्ड को बताते PW14 था अबाउट द इंसिडेंट, और फिर कहीं भी नहीं जाते इसमें। तो एविडेंस PW12 का और कांस्टेबल PW16 का सिंपली कम्प्लीटली कॉन्ट्रेडिक्ट करता है एविडेंस को। और PW मीन्स इसकी वजह से जो टेस्टिमनी है वो एक डाउट के तौर पे देखी जाएगी। और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो है जो कि PW11 है, जिन्होंने ओथ में कहा था कि दो अदर पर्संस भी जो कि कोलीग्स थे डिसीज के, वो भी स्पॉट पर प्रेजेंट थे, लेकिन दो पर्संस को कभी भी एग्जामिन नहीं किया गया एविडेंस के तौर पे, और फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द प्रोसिक्यूशन। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे उन्होंने भी किसी प्रकार का क्लेम नहीं किया इन FIR में, और उन्होंने भी सस्टेन्ड उनको भी जबकि इंजरी सस्टेन्ड हुई थी, और लेकिन उन्होंने लेटर क्लेम किया कि वो इंजर्ड हुए थे इंसिडेंट, जिसकी वजह से उनको मेडिकल एग्जामिन किया गया नेक्स्ट डे ऑफ द इंसिडेंट बाय डॉक्टर, नाम बताया गया PW2 का। और डॉक्टर जो PW2 ने अपने एडमिट किया था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि इंजरी नंबर 2 जो है वो हुई है जो कि क्लिचिंग और स्क्रैचिंग से हुई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो है PW11 उन्होंने अपने एविडेंस में क्लेम किया कि उन्होंने एक लिफ्ट किया था विक्टिम को और उन्होंने रिक्शा में बिठाया था, और जबकि उनके बाद उनको इंडिस्क्रिमिनेटली असॉल्ट किया गया था अक्यूज्ड अपीलेंट द्वारा यूजिंग द शार्प वेपन्स। लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने किसी प्रकार की ब्लड स्टेन्स जो हैं वो अपनी पर्सन जो इंजर्ड थे घायल थे उनके पर्सन से और उनके क्लोथ्स में नहीं आए, और कोई भी जो आई विटनेसेस थे वो प्रेजेंट नहीं थे क्राइम सीन में, और ना ही उन्होंने कुछ देखा। और प्लेस ऑफ द ब्लाइंड मर्डर जो था वो अपीरेंट अक्यूज्ड के ऊपर लगा दिया गया, और क्योंकि एक इनकी पुरानी रंजिश थी, पुलिस ने ना ही किसी विटनेस ने जो एविडेंस दिया था जो एलिगेशन को देखते हुए। तो सर्कमस्टांसिस जो प्रोसिक्यूशन ने बताया था वो हैवली इन ऑर्डर टू ब्रिंक की वो चेंज चार्ज ऑफ क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी का लगाया गया, तो उसे भी किसी प्रकार का सब्सटेंशिएट नहीं किया गया किसी टेंजिबल एविडेंस द्वारा। और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कि अक्यूज्ड अपीलेंट्स हैं वो उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था 9 मई 2011 को 5 दिन के बाद जब वारदात हुई थी, जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस है उनकी कॉलोनी से जो कॉलोनी में जहाँ हुई थी जहाँ अभी अक्यूज्ड अपीलेंट रिसाइड करते थे, लेकिन जब वो भाग रहे थे मोटरसाइकिल में। तो ये खाली इम्प्रॉबेबल है कि जो अक्यूज्ड अपीलेंट है जब इतना ग्रेव क्राइम करने के बाद उसी क्लोज विसिनिटी ऑफ द क्राइम सीन में रहेंगे, तो अगर कुछ भी बात का सच्चाई हजारा से भी सच्चाई होती इस प्रोसिक्यूशन के केस में तो पुलिस तो पहले ही अरेस्ट करती अक्यूज्ड अपीलेंट को जब भी घटना हुई थी, बिकॉज दे वर ऑल अलॉन्ग अवेलेबल, क्योंकि वो हमेशा वो रिस्पेक्टिव होम्स में रहते थे जो कि घर से प्लेस ऑफ इंसिडेंट से थोड़ी दूरी पे था। और रिकवरीज और डिस्कवरीज जो हुई हैं एट द इंस्टेंस ऑफ द अपीरेंट अक्यूज्ड वो फैब्रिकेटेड है और कोई भी किसी कन्विंसिंग और टेंजिबल एविडेंस से नहीं साबित होती है। तो अब इसके बाद स्टेट ने भी अपनी सबमिशंस दिए, अब कोर्ट ने दोनों सबमिशंस होने के बाद अपना एनालिसिस क्या किया उस पर हम चलते हैं, डिस्कशन एनालिसिस। तो प्रोसिक्यूशन के केस के बारे में कोर्ट ने डिस्कस किया कि FIR रजिस्टर्ड हुई थी 4 मई 2011 को, जो कि ऊपर के सारे ब्रीफ फैक्ट्स पर डिस्कस किया गया। काफ़ी लंबी जजमेंट है ये, हम थोड़ा मेन मेन इश्यूज पर थोड़ा सा चलते हैं। अब यहाँ बताया था PW12 जो है उनको पोर्ट्रेट किया गया था प्रोसिक्यूशन में कि वो एक आई विटनेसेस हैं, और कैटेगरी के लिए उन्होंने अपने 4 मई 2011 को बताया था कि उन्हें वो जब उन्हें पता चला कि लड़ाई हो रही है एक जगह पे, नाम बताया, लेकिन जब वो इस लोकेशन पे जहाँ घटना मीन्स इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक पर्सन जो है वो ब्लीडिंग कंडीशन में पाया गया है, जो कि एक पेट्रोल पंप का नाम बताया कि वो जो कि वहाँ से थोड़ी में से एडजेसेंट है, और यहाँ पर असिलेंट्स का नाम बताया, असिलेंट्स का बताया कि वो हथियार को हवा में लहरा रहे थे, नाइफ और गुप्ती जो है वो
लहराए थे ताकि उस पर्सन को मार सके इन अप्रोचिंग टू बीट द पर्सन. और जब देखा कि PW12 जो है आए, जब PW12 को उन्होंने देखा तो फिर तीन जो असिलियंस थे उसमें तीन में से दो थे वो अपने हथियार फेंक गए और भाग गए ब्रिज के साइड से भाग गए. लेकिन जो इंजर्ड थे वो इंजर्ड को रिक्शा में लेके जाया गया, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ. रिलेटिव्स भी आए उनके और जो वेपन्स थे वो पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट हो गए. क्रॉस एग्जामिनेशन में यहाँ पर एडमिट किया कि किसी ने बताया था कि एक ऐसा एक इंसिडेंट हो रहा है. लेकिन जब वो पहुंचे थे रोड पे तीन से चार मिनट में तो पीपल जो थे वो क्राइम गैदर्ड हो गए थे क्राइम सीन में. और उन्होंने मीन्स PW12 ने फर्दर बताया कि मीन्स इंजर्ड के साथ वो तीन से चार मिनट तक रहे थे. एक व्यक्ति जो आए थे उन्होंने इंजर्ड को रिक्शा में बिठाया और विटनेस ने भी हेल्प की जो इंजर्ड को प्लेस किया मीन्स इंजर्ड को रिक्शा में बिठाया. और जो उनके कपड़े थे वो ब्लड से स्टेन थे. इंजर्ड पर्सन को जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो वो उनको पुलिस स्टेशन भेजा गया. और दो वेपन्स थे वो ऑफेंडर्स के अफेंड कर दिए गए मीन्स ऑफेंडर के जो थे वो अबेंडेंट कर दिए गए सॉरी नॉट ऑफेंड कर दिए अबेंडेंट कर दिए गए थे जब वो 9:15 पहुंचे थे शाम. और लेकिन उसके बाद भी कोई कंप्लेंट लॉज नहीं की इंसिडेंट की. विटनेस ने एक्सप्लेन किया था रीज़न कि क्यों नहीं उन्होंने कंप्लेंट दी थी और कहा था कि जो पर्सन जो है जबकि ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पे बैठे हुए थे 9:15. अब यहाँ पर अगला बताया उन्होंने कि केयरफुली देखा और एनालाइज किया एविडेंस को PW12 ने. हम यहाँ पर बताते हैं कि एक सिंगल वर्ड नहीं बताया प्रेजेंस का. इन्फॉर्मेंट ने सिंगल वर्ड नहीं बताया कि अक्यूज पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट थे. और क्लेम किया कि दो वेपन्स थे वो अक्यूज द्वारा किए गए थे. एक बड़ा चाकू था और एक गुत्थी थी. और पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट किया 9:15 जब इंसिडेंट हुआ था तब वो किसी प्रकार की जो रिपोर्ट है कंप्लेंट है इंसिडेंट की नहीं बताई क्योंकि उन्होंने देखा था कि समवन वॉज जो समवन जो है वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में बैठे हैं 9:15 और कंप्लेंट की जो कंप्लेंट और रिपोर्ट देखने में. और यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये काफ़ी इम्प्रॉबेबल है टोटली इंसेप्टेबल है कि जो पुलिस कांस्टेबल जिसने घटना देखी हो और लेके जाया गया हो क्राइम वेपन्स को लेके उसके बाद भी स्टेटमेंट दी जाती है कि जब वो स्टेटमेंट ना तो रिकॉर्ड की गई थी इन द फैक्टम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द वेपन्स एंड वुड नॉट बी एंटर्ड इन टू द डेली डायरी ऑफ द पुलिस स्टेशन. और PW12 ने एक्सप्लेन किया अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने रिपोर्ट इंसिडेंट की नहीं बताई थी क्योंकि जब उन्होंने नोटिस किया था समवन एट द पुलिस स्टेशन में जो कि बैठे हुए थे 9:15 टू गिव द रिपोर्ट. और रिकॉर्ड के मुताबिक कोई रिपोर्ट थी पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट नहीं थी किसी भी व्यक्ति द्वारा. कोई भी पुलिस पर्सन डिप्लॉय नहीं हुआ था कि वो जगह नाम बताया उस पुलिस स्टेशन में जाकर देख सके और जो वर्जन को कॉर्पोरेट कर सके और कि सम कोई कोई अननोन पर्सन था वो पुलिस स्टेशन में आया था. समवन लिखा हुआ समवन पर्सन जो था वो पुलिस स्टेशन पे आए थे 9:15 और उसकी बेसिस पे बताया कि इंसिडेंट के बारे में जो है वो बताया गया जहाँ रहते हैं वो. और पुलिस कांस्टेबल जो थे PW12 उन्होंने कहा कि वो आई विटनेसेस हैं और उन्होंने देखा था हीनियस असॉल्ट हो रहा है और क्राइम वेपन्स के साथ. और अब कोई रीज़न नहीं बनता कि क्यों नहीं इसकी जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड नहीं की गई इमीडिएटली जब वो पुलिस स्टेशन में अराइव हुए थे. सर्कमस्टांसिस ये बताते थे कि रीजनेबल डाउट जो है वो बनता है कोर्ट के माइंड में कि स्टेटमेंट जो थी PW12 की वो एक रिकॉर्ड की गई थी डेली डायरी पे रोज नमचा में. लेकिन जो वर्जन जो था वो प्रोसिक्यूशन को पसंद नहीं था मीन्स वो प्रोसिक्यूशन को सूट नहीं कर रहा था इसी वजह से डेली डायरी थी वो कभी रिकॉर्ड में नहीं लगेगी. अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ डेली डायरी जो है वो एक सीरियस ऑब्जेक्शन बनता है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन. अब यहाँ पर कहा कि कोई सी प्रकार का डाउट नहीं था कि जो फर्स्ट वर्जन जो था इंसिडेंट का जो पुलिस कॉन्स्टेबल ने बताया था उसमें बताया गया था कि उनकी जो वर्जन था उसको एक ट्वीट किया जाए FIR और
कंप्लेंट लॉस की गई थी W11 की, उसे वापस रेलीगेट किया गया कैटेगरी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर 161 CRPC के तहत, नथिंग बियॉन्ड इट। और आगे बताया माननीय कोर्ट ने कि जो सेम जो है उसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए FIR में, क्योंकि 162 CRPC का जो एक बार है, और रिसेंटली ये पाया गया कि जो प्रोसिक्यूशन ने गिल्ट किया है कंसीलिंग ऑफ द इनिशियल वर्जन ऑफ द कोर्ट, तो इसकी वजह से एडवर्स इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो निकाले जाते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफ द कोर्ट। जो एग्जिबिट P79 था वो रजिस्टर की गई थी ऑन दिस ऑरल स्टेटमेंट जो दी गई थी फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने एक कृष्णा मेडिकल हॉस्पिटल में, और SN गोरी का नाम बताया गया। PW17 जो है उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया कि PW12 जो है उनसे मिले थे 2:30 बजे और 5 मई 2011 में, और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन थी इंसिडेंट की रिसीव नहीं हुई थी एज पुलिस चौकी में, और उसके बाद ही इनको पता चला कि 10 बजे कॉजनेबल ऑफेंस जो है हुआ है, और सच जो इंफॉर्मेशन हुआ था वो जो बाद ही रिसीव हुई थी हॉस्पिटल में। और उसके जो बताया कि जब वर्दी लेने के बाद वो प्रोसीड किया उन्होंने जो हॉस्पिटल का नाम बताया गया 10 बजे, और इसके बाद वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट से मिले, उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल में 1.5 आवर डेढ़ घंटे तक रहे थे, और जो विटनेसेस थे वो जिनका नाम बताया गया है PW17, उन्होंने एडमिट किया था कि कंप्लेंट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया था कंप्लेंट में कि किसी प्रकार की इनको इंजरीज हुई जाए, और एक क्लोज ह्यूज क्लाउड ऑफ सस्पिशन जो है वो प्रोसिक्यूशन के आसपास बन गया है। अब टाइम और मैनर जो है जो विटनेसेस ने ना ही किसी प्रकार के नेम्स बताए थे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर्स जो थे अक्यूज्ड के पुलिस स्टेटमेंट में, और इसी वजह से प्रोसिक्यूशन अगर डिजायरस था कि अक्यूज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाए एट दी हैंड ऑफ द विटनेसेस, तो तब उनको एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो परेड मीन्स अक्यूज पर्सन को आइडेंटिफाई करवाना चाहिए था TIPs के द्वारा, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन जो अक्यूज की हुई थी वो PW12 की हुई थी, वो भी पहले समय फर्स्ट टाइम जो हुई थी डॉक में वो इसमें वो टोटली अनबिलीवेबल है और अनएक्सेप्टेबल है। अब कोर्ट ने कहा हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो एविडेंस जो दिया गया स्टार प्रोसिक्यूशन द्वारा जो PW11 है जो कि कजन है और जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है, PW11 ने सारा घटना बताया, उन्होंने बताया कि ऑरल स्टेटमेंट जो थी वो एक जो PSI है P17 को दी थी 4 मई 2011 को कृष्णा मेडिकल हॉस्पिटल में, और जब जो कि उसे ट्रीट किया गया FIR के तौर पे, और ये फैक्ट्स को देखते हुए FIR ने जो फैक्ट सेट किए थे विटनेस ने अलर्ज किया कि उन्हें भी विटनेस ने ये भी कहा कि ही हैज रिसीव्ड उनको भी एक इंजरी हुई है सिर पे, और इसकी वजह से वो एज ए रिजल्ट जो धक्का दिया था उससे वो गिर गए थे। और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बारे में बताया निकल के आया कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है उन्होंने कैटेगरी कहा कि उन्होंने एक कंप्लेंट थी इंसिडेंट की, वो पर्सनल अपेयर हुए थे जो पुलिस स्टेशन में, और फिर फर्दर ये बताया कि जब कंप्लेंट देने के बाद पुलिस ने उन्हें बुलाया नेक्स्ट मॉर्निंग को घटना के बारे में आफ्टर जो इंसिडेंट हो गया था, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि क्राइम सीन जो था वो पुलिस के द्वारा दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट को साइन किया। तो ये वर्जन जो था वो सेट आउट किया था एग्जामिनेशन चीफ में और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो थे PL11 ने, तो इसकी वजह से कोर्ट ने कहा एक ग्रेव डिस्क्रिपेंसी बनती है टाइम एंड प्लेस ऑफ लॉजिंग ऑफ द कंप्लेंट। और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी PL11 ने बताया कि वो जो मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहां पर पहुंचे थे 9 बजे, और किसी प्रकार की उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया था जो इंजरीज जो उनको हुई थी। जब वो हॉस्पिटल मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचे तो उनके जो अंकल हैं फादर ऑफ डिसीज थे जो कि पहले से ही प्रेजेंट थे, और उन्होंने डॉक्टर को बताया कि जो अटैक जो हुआ था वो शार्प वेपन से हुआ था, और इसकी वजह से वो
हॉस्पिटल से आगे और पुलिस स्टेशन चले गए जो कि 10 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल, और फिर उन्होंने कंप्लेंट थी पुलिस स्टेशन में दी। कोई भी पुलिस पर्सन नहीं साथ में लेकर आया जब वो कृष्णा हॉस्पिटल से प्रोसीड कर रहे थे, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब उन्होंने नोटिस किया कि जो इंजरी सफर्ड हुई है डिसीज, नोटिस था इंजरी सफर्ड बाय द डिसीज। तो फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गए डॉक्टर से मिलने के बाद, और विटनेसेस ने रेफर किया कि कंप्लेंट जो थी वो प्रेजेंट की गई और ड्राफ्ट की गई थी कंप्लेंट को, और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में दी एक घंटे के बाद। जब जो जब उनके कंपेनियंस आ गए थे एडमिट ये किया कि जो कंप्लेंट बनाने से पहले डिस्कशन जो है वो हुआ था, मींस अमंग्स द रिलेटिव्स के साथ डिस्कस हुआ था, और कंप्लेंट जो है वो ड्राफ्ट की गई थी और फिर उसके बाद लॉन्च किया गया था। और विटनेस ने एक्सप्लेन किया कि ही ड्राफ्टेड द कंप्लेंट, विटनेसेस ने ये भी एक्सप्लेन किया कि ही ड्राफ्टेड द कंप्लेंट, जो उसके वजह से उन्होंने घटना के बारे में बताया कि, और पर्टिनेंस एक्सेशन भी दी गई W11 को क्रॉस एग्जामिनेशन में कि वो कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती नंबर और लोकेशन जो इंजरीज जो डिसीज हुई थी, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं थे स्पॉट पे और ना ही उन्होंने घटना को देखा था, और लेकिन इसकी वजह लेकिन उन्होंने सजेशन को डिनाइड कर दिया, और लेकिन एडमिट ये कर दिया कि जो फैक्ट ऑफ गोइंग टू जो पेट्रोल पंप में जाने का ये लॉजिक ये था कि डिसीज्ड ही जो है वो उनको जानते थे, और डिसीज्ड और दूसरे व्यक्ति का नाम बताया गया उस अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट के बाद असॉल्ट के बाद इंजर्ड को मीन्स हॉस्पिटल में लेके जाया गया, और उनकी ब्लीडिंग हो रही थी हेड से और इसलिए उनको उठाया गया और रिक्शा में डाला गया, और जो पर्सन थे जिन्होंने इंजर्ड क्यों किया था सिर्फ एक व्यक्ति का नाम बताया गया, उसी से उनको ब्लड स्टेन्स मीन्स जो खून के धब्बे लग गए थे क्लोथ्स में, फिर W11 ने एडमिट किया कि ना तो वो और कोई भी दूसरा पर्सन था उनको ब्लड स्टेन्स रिसीव हुआ है क्लोथ्स में, लेकिन जब उनको कन्फ्रंट किया गया पिछली वर्जन से तब उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने किसी प्रकार का मेंशन नहीं किया था जो कंप्लेंट में कि एग्जिबिट 79 के बारे में बताया गया, और इंजरी जो उनके हुई थी हेड पे, और उसके बाद जो वर्जन पे गए प्रोसिक्यूशन विटनेस का जो P11 था जो वर्जन उसमें ये बताया कि कंप्लेनेंट जो थी वो पुलिस स्टेशन में मींस उन्होंने पुलिस स्टेशन में दी थी और कभी उन्होंने डे लाइट में नहीं दी थी, और इंटेंशनली इस चीज़ को इंटेंशनली विथहेल्ड किया गया। P11 ने कैटेगरी के ये कहा था कि उन्होंने कंप्लेंट को साइन किया था मॉर्निंग में जब घटना हुई थी, और जब वो प्रोसीड टू द साइट इंस्पेक्शन बाय द पुलिस, जो साइट इंस्पेक्शन जो हुआ है वो करने गई थी, तो इससे वजह से एक जेन्युइन डाउट बनता है कोर्ट का कि जो FIR जो है वो क्रिएट की गई है लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और डिपोजिशन जो थी P17 की जो कि PSI है, और ऑरल स्टेटमेंट थी P11 की, और जब उन्हें राइटिंग में उस दोनों स्टेटमेंट्स को लिया गया, और अब यह आता है कि उसके वो दोनों को देखते हुए उनसे ट्रीट करना चाहिए कंप्लेंट को, मीन्स कंप्लेंट को ट्रीट किया करना चाहिए उनके वर्जन को P79 को, जबकि उसे रजिस्टर्ड हो गया था CR नंबर 1200 ऑफेंस पनिशेबल अंदर 302 और 120B 323 से, और फॉर्मल FIR जो थी वो एग्जिबिट की गई थी जब डिपोजिशन दिया गया था PSI द्वारा, उन्होंने कहा था कि 4 मई 2011 को जब वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे पुलिस सब इंस्पेक्टर पे एक जगह का नाम बताया अनंत टाउन, और इन्हें को इन्फॉर्मेशन मिली कि 3 पर्संस ने इंजरीज दे दी हैं डिसीज्ड को नियर शॉप पेट्रोल पंप में और भरेज रोड एट 8 PM जगह का नाम बताया गया कोई जगह है, और फिर मीन्स सारा उन्होंने जो वर्जन था उसके बाद बताया, फिर कोर्ट ने फाइनली यही बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इनकॉन्ग्रुएंसीज थी जो कि बताते हैं जब भी माइन्यूट इवैल्यूएशन भी की गई थी मीन्स जो एविडेंसेस था और जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट भी हैं, और इसके बाद हेड कॉन्स्टेबल P16 PSI P17 और जो नाम बताया गया जो फर्स्ट कजन है फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है उन्होंने कैटेगरी कहा था कि वो ड्राफ्ट उन्होंने कंप्लेंट की थी और सबमिट की थी अनंतनाग पुलिस स्टेशन पे, लेकिन टोटली ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और कंप्लेंट जो रजिस्टर हुई थी वो ऑरल स्टेटमेंट पे हुई थी फर्स्ट इन्फॉर्मेंट के, और उसके बाद उनको रिड्यूस किया गया था राइटिंग में जो एक मेडिकल हॉस्पिटल का नाम बताया गया। अब कंप्लेंट को देखने के बाद
सब्सिक्वेंटली जो है FIR रजिस्टर्ड हुई और रेलेवेंट फैक्ट्स ये बताते हैं कि FIR कोई भी एंडोर्समेंट नहीं दी गई थी डे एंड टाइम ऑफ द FIR जब ऑफ द कोर्ट कंसर्न। और अब यहाँ बताया कि जो पुलिस स्टेशन ने एक विथहेल्ड कर ली थी जिनिंग रीजंस थे जिसकी वजह से FIR जो है वो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। अब एक जजमेंट बताई गई थी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वसी पुनाती रमूलू एंड अदर्स की। अब कोर्ट ने यह कहा कि जब पुलिस ऑफिसर डिलिबरेटली रिकॉर्ड को डिलिबरेटली रिकॉर्ड दी FIR जानबूझ के FIR रिकॉर्ड नहीं करते जब इंफॉर्मेशन मिलती है कॉजनेबल ऑफेंस की और FIR जो प्रिपेयर की जाती है वो स्पॉट पे पहुंचने के बाद ही की जाती है और जब काफ़ी ड्यू डिलिब्रेशन होने के बाद करने के बाद कंसल्टेशन और डिस्कशन करने के बाद ऐसे में कंप्लेंट को ट्रीट नहीं करना चाहिए FIR। और स्टेटमेंट जो दी गई है इन्वेस्टिगेशन केस में वो हिट करती है 162 CRPC में। अब रेलिवेंट पोर्शन था जजमेंट का वो यहाँ पर कोर्ट ने देखा और एक बाबू साहेबा गौदा रुद्रा गौदर एंड अदर स्टेट ऑफ कर्नाटका उसके भी जो रेलिवेंट पोर्शन थे वो उस पर भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। और अब देखने के बाद कहा कि काफी इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रडिक्शन थे स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस। तो कोर्ट जो है वो कॉन्शियस है डिपोजिशन जो PW 11 ने दिया था उन्होंने कैटेगरी कहा था कि जब वो क्राइम सीन पे आए तब उन्हें देखा कि इंजर्ड जो है वो रोड पे पड़े हुए और तीन असिलेंट्स जो हैं वो हवा में हथियार लहराते हुए आ रहे हैं एक व्यक्ति का नाम बताया और मीन्स उनके समक्ष आ रहे हैं और डिसीज के समक्ष आ रहे हैं और चार मिनट के बाद कई अदर पर्सन भी पीपल भी थे वो भी आए। तो ऐसे में एविडेंस था PW 12 का वो जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट के तौर पर प्रेजेंट थे। ऐसे में PW 11 का क्राइम सीन पे होना एक डाउटफुल है ऐसे में कोई भी आयोटा ऑफ ट्रूथ जो है वो नहीं बनता है। और PW 11 ने ये बताया कि जो आई विटनेसेस थे कोई रीजन नहीं बनता क्यों नहीं उन्हें आई मीन्स कॉन्स्टेबल जो बताया PW 12 जो कि प्रेजेंट थे। और ऐसे में जो रिएक्शन था प्रूडेंट पर्सन का वो ये इस प्रकार होता है कि जब वो घटना हो जाती है टू मेक अ कंप्लेंट जब घटना हो जाती है तो पुलिस जो मैन जो प्रेजेंट होते हैं स्पॉट पे उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए। और कॉन्स्टेबल जो थे PW 12 उन्होंने कहा कि उनको ब्लड स्टेन क्लोथ्स मिले और जो कि इंजर्ड को रिक्शा में लिए लाया गया और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने ये बताया कि कोई किसी प्रकार के उनके ब्लड स्टेन्स उनके हाथ या क्लोथ्स में नहीं मिले थे जब उनको रिक्शा के अंदर रखा गया था। Rather he did not acknowledge, जबकि उन्होंने acknowledge भी नहीं किया PW 12 का जो कि help करता है जो कि help किया था उन्होंने in placing the victim on the रिक्शा रिक्शा को में बिठाने का उनको उन्होंने help किया था। तो ऐसे में कहा कि अगर कुछ भी iota of truth भी होता जो version दिया गया था PW 11 का कि उन्होंने देखा assault को देते हुए कि उनके cousin brother को assault किया गया तो और उन्होंने help भी किया कि lifting the injured उन्हें घायलों को उन्होंने उठाया और रिक्शा में बैठाया तो फिर आगे बताया कि काफ़ी इम्पॉसिबल है कि उन्हें किसी प्रकार के ब्लड स्टेन्स जो कपड़े मिले हों जो जिसकी वजह से ब्लड ऊज आउट हो रहा हो और शार्प वेपन इंजरीज थी जो सफर्ड हुई थी डिसीज द्वारा। और PW 12 की वजह से मीन्स PW 12 ने ये कहा कि जब क्राइम सीन पे आए तो विक्टिम जो है वो ग्राउंड पे था कोई भी प्रेजेंट नहीं था एक्सीडेंट्स के एसिलेंट्स के समक्ष कोई भी नहीं था। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है उन्होंने अपने ही कजन को अबेंडेंट कर दिया जो कि जो रोड पे ग्रेव इंजर्ड कंडीशन में पाए गए थे। तो अब यहाँ पर बताया कि सारा कुछ इसमें डिस्कशंस किए गए हैं तो यहाँ पर डिटेल डिस्कशंस किए हैं। अब जो वर्जन जो देखा गया फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो थे PW 11 का PW 12 का उन्होंने कहा था कि एक ही पर्सन जो थे वो इंजर्ड को रिक्शा में लेके गए। तो क्लेम जो दिया गया था PW 11 का कि वो दोनों व्यक्ति जो नाम बताए गए वो उन्होंने उठाया और हॉस्पिटल को लेके हॉस्पिटल में जाने के लिए उनको वहां पर उठाया। इसे कोर्ट ने कहा कि इसे कॉन्ट्रडिक्टेड है क्योंकि PW 12 की जो कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने ये भी कहा कि जिस पुलिस स्टेशन का नाम बताया कि वो उसे भी कॉन्ट्रडिक्ट किया गया जो एविडेंस था हेड कांस्टेबल PW 16 के। और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने PW 11 ने एडमिट किया कि
क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट किया कि जो डिसीज्ड के जो फादर हैं और वो दो तीन लोगों के नाम बताए, वो अराइव किए थे जो मेडिकल हॉस्पिटल था, और जो इंसिडेंट को डिस्कस किया गया था इन सब व्यक्तियों के प्रेजेंस में जो कि बियादित हुए थे, और उन्होंने बताया कि जो इंजरीज कॉज्ड हुई थी डिसीज को जब वो लेके गए थे, जब वो गए थे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, तो इस बैकग्राउंड डिस्कशन देने के बाद पाया कि जो इनकॉन्जुरेंसीज जो है बेशक वो माइनर है लेकिन री इन्फोर्स करती हैं डाउट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट की प्रेजेंस जो थे फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो है कि मौके बावजूद वारदात में मौजूद थे कि नहीं थे। तो आर्ग्यूमेंट जो है एडवांस किया गया था काउंसिल द्वारा अक्यूज्ड के, और स्टार विटनेसेस जो हैं उनका नाम बताया जो PW11 है वो प्रेजेंट नहीं थे क्राइम सीन पे, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और अनदर एस्पेक्ट ये था कि क्रॉस एग्जामिनेशन PW11 में कि जो फैक्ट था रिगार्डिंग दी डिसीज्ड, जब वो पोलिट्रोल पंप में गए थे उन्होंने फ्यूल भरा था और दो ही व्यक्ति थे, फ्यूल जो नॉन ओनली सिर्फ दो व्यक्तियों को ही पता था, तो इस बहस से बैकग्राउंड में ये काफी इम्प्रोबेबल है कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो किस तरह से उनको पता चल गया कि वो अवेलेबल होंगे पेट्रोल पंप में एस पर्टिकुलर मोमेंट में, और उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि कॉन्स्पायर कर सके। तो यहाँ पे अपने कोर्ट ने कहा हम इस व्यू को देखते हुए जो टेस्टिमनी थी फर्स्ट इन्फॉर्मेंट की, जो स्टार विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन के, उसे ट्रस्टवर्दी नहीं कहा जा सकता और रिलायबल नहीं है, और इससे में उनको कॉन्ट्रेक्ट किया जाता है मटेरियल एस्पेक्ट्स से, जो न्यू मटेरियल फैक्ट्स हैं और सर्कमस्टांसिस हैं कोर्ट ने ऊपर जो डिस्कस किए हैं। और अनदर जो विटनेसेस थे इंसिडेंट के जो कि प्रेजेंट थे प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे, एक पुलिस कांस्टेबल का नाम बताया PW12 को, अभी ऑलरेडी उसे डिस्कस कर लिया गया, और कोर्ट ने कहा कि एक डाउट अटेम्प्ट मीन्स एक डाउट होता है कि अटेम्प्ट जो किया गया विटनेसेस द्वारा कि वो अपीलेंट अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर लें फर्स्ट टाइम इन द डॉक में, लेकिन जो पुलिस कांस्टेबल की जो टेस्टिमनी थी वो किसी प्रकार की प्रोसिक्यूशन को हेल्प नहीं करती है। और PW13 जो क्या को देखा जाए और उसे बताया गया कि उन्हें आई विटनेसेस के तौर पे ट्रीट किया गया है, उन्हें ट्रीट एज एन आई विटनेसेस के तौर पे ट्रीट किया गया था, और टेस्टिमनी जो थी वो रिलाई की गई थी ट्रायल कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट सफिशाइज टू से दैट कि जो एम्पल सर्कमस्टांसिस थे रिकॉर्ड में वो डिनाई करते हैं क्लेम ऑफ आई विटनेसेस कि वो उन्होंने देखा हो अलेज असॉल्ट जो है हुआ हो डिसीज्ड का। और जो पहला नाम PW13 का नाम बताया गया वो उनका नाम नहीं डज नॉट फिगर इन द FIR में उनका मेंशन नहीं किया गया एज ए आई विटनेसेस ऑफ द इंसिडेंट, और जबकि उनका एग्जामिन किया गया था सेक्शन 161 CRPC से, उन्होंने कैटेगरी ये कहा कि वो इस समय घर पे थे और इन्फॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंट जो थी वो फादर ऑफ द डिसीज द्वारा दी गई थी। और इस बैकग्राउंड पे ये कहा कि जब विटनेसेस को कन्फ्रंट किया क्रॉस एग्जामिनेशन तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, इसी एक प्रकार की ग्रेप इम्प्रूवमेंट थी। ऐसे में कोर्ट ने कहा इसमें हमारी कोई हेजिटेशन नहीं है इसमें होल्ड कर सके, जो PW13 है वो फॉल्सली पोर्ट्रेट किया गया है विटनेसेस के तौर पे, तो ऐसे में उनकी जो टेस्टिमोनी है वो रिलाई नहीं की जा सकती। और ट्रायल कोर्ट अवेबल हाई कोर्ट ने एक्सटेंसिव रिलायंस दी थी जो कन्फेशंस थे अक्यूज्ड अपीलेंट्स के, और जो कि एक बताया गया कि उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ था मेडिकल ऑफिसर का द्वारा, और उन्होंने इंजर्ड की जो रिपोर्ट थी वो अक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर दी थी। अब यहाँ पर बताया कि जो कन्फेशंस थे यहाँ पर बताया कि वो एक्स फेशिए कन्फेशंस जो हैं एक्स फेशिए वो इनएडमिसिबल है, सफिशिएंट रीजंस है कि अक्यूज्ड पर्सन जो है वो प्रेजेंट थे पुलिस ऑफिसर्स द्वारा प्रेजेंट किए गए थे जब उन्हें अरेस्ट किया गया था प्रेजेंट केस में। ऐसे में जो नोटिंग जो ली गई है मेडिकल ऑफिसर की कि जो इंजर्ड रिपोर्ट्स थी जो वो भी रिपोर्ट है वो क्लियरली हिट करती है सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। तो ऐसे में कहा कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए हम इसकी एडमिशंस को जो अक्यूज की एडमिशंस हैं उसे रिकॉर्ड नहीं ले सकते, उसे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के तौर पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे नहीं ले सकते एज पर द सेक्शन 21 ऑफ द एविडेंस एक्ट के तहत। और सर्कमस्टांसिस जो थे कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए थी प्लेस ऑफ द इंसिडेंट एट द इंस्टेंस ऑफ द अक्यूज्ड वो भी ऐसे में इनएडमिसिबल है बिकॉज द क्राइम सीन था वो ऑलरेडी पुलिस को पता था, तो कोई भी न्यू फैक्ट था वो डिस्कवर नहीं किया गया जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी गई थी। तो ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट ने काफी हैवीली रिलाइड किया था FSL रिपोर्ट्स पे कि ब्लड ग्रुप जो है वो वेपन्स पे पाया गया था और जो कि मैच डिसीज्ड के साथ मैच करता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये सफाइस टू से कि जो दो वेपन्स जो पिकअप किए गए थे PW12 द्वारा
वो मौके वारदात जो हुआ था वहां पे रिकवर्ड किए गए थे, जो फॉर्मली पुलिस स्टेशन ने सीज कर लिया था, और 2:30 बजे सुबह के 5 बजे, और एक ही पंच जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो उसी को ही सिर्फ ट्रायल किया गया था, तो मीन्स ट्रायल पे एग्जामिन किया गया था, और सीजर पंचनामा जो था एग्जिबिट 38 वो रिकॉर्ड ये करता था कि तीनों अक्यूज जिनको इन्फ्लिक्टेड डेथ ब्लोज हुए हैं डिसीज्ड के साथ, डिसीज्ड को दिए हैं एज ए ड्रैगर गुप्ती और नाइफ से, उन्होंने वेपन्स को फेंक दिया और फिर गार्डन पे चले गए, उसकी वजह से क्राइम सीन से भाग गए, और पुलिस पर्सन ने सारे जो वेपन्स हैं वो लेकर आए पुलिस स्टेशन में, लेकिन पंचनामा में ऐसे में किसी के सिग्नेचर जो थे वो पुलिस कांस्टेबल के मीन्स पुलिस कांस्टेबल के किसी प्रकार के सिग्नेचर नहीं थे। P12 ने एडमिट किया कि जो वेपन्स जो थे वो क्राइम सीन से रिकवर किए गए थे और पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट कर दिए थे, लेकिन कोई भी ऐसे में क्रेजिनेंस नहीं दी जा सकती जो सीजर पंचनामा था एग्जीबिट P38 का, क्योंकि एक लिक्विना से सफर कर रहा है, क्योंकि इसे अटेस्ट नहीं किया गया था विटनेसेस द्वारा जो कि प्रेजेंट थे, जिन्होंने वेपन्स जो प्रेजेंट जो जिन्होंने वेपन्स प्रेजेंट किए थे एट द पुलिस स्टेशन में। और यहाँ पर ये देखने के बाद P12 को नोट करते समय P12 जो है एक पुलिस कांस्टेबल है, उन्होंने डिपॉजिट किए थे वेपन्स को पुलिस स्टेशन पे, और ऐसा उन्होंने कहीं एविडेंस में नहीं बताया कि किसकी वजह कहाँ से उन्होंने हु हैड गिवन द नाइफ, कहाँ से उन्होंने चाकू मिला था, गुप्ती मिली थी और क्राइम सीन से। तो ये सारा वो देखने के बाद जो आई विटनेसेस थे उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, यहाँ पर सो कॉल्ड डिस्कार्डेड कर दिया गया है, आई विटनेसेस का जजमेंट्स पे रिलाई किया उन्होंने वो स्कीन वर्सेस ये इस कहा कि जो सोल सर्कमस्टांसेस थे रिकवर ब्लड वेपन्स के, वो अगर ब्लड स्टेन वेपन्स मिल भी जाए जब तक उसे कनेक्ट नहीं किया जाता है डिसीज मीन्स मर्डर के साथ, तब तक उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है। और कोर्ट ने कहा कि ऐसे ऐसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी रिलेवेंट है और सेक्शन 77 के अंदर नहीं मेंटेनेबल है ये। फाइनली ये कहा कि जब कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज करती है ज्यूरिसडिक्शन 136 में तो वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब एविडेंस इज प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया गया और मटेरियल एस्पेक्ट्स जो इग्नोर कर दिए गए और जो फाइंडिंग्स प्रेफर्स हो तो कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करती है, चाहे बेशक नीचे की रिपोर्ट्स ने कॉन्क्रेंट फाइंडिंग्स दी हो, अप्रिशिएट एविडेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि गिल्ट नहीं बनता इसमें, इसलिए उन्होंने जो जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया और कहा कि ऑलरेडी वो बेल पे है, उनको अब जो अनलेस किसी दूसरे केस में रिक्वायरमेंट ना हो इसलिए उनको छोड़ा जाए और उनको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जजमेंट आई थी, डिटेल जजमेंट आई थी ये 8 अगस्त 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।